हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपके लिए लेकर आया हूं अपना यूट्यूब चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने इस वीडियो सीरीज में कुछ नए नए लोगों से मिलाऊंगा और जहाँ पे कि जो भी इशूज वगैरह होता है ऑपरेशंस में, फाइनेंस में या फिर किसी भी स्टेज में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो भी हम आप लोगों को उन लोगों से मिलकर बताएंगे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर भागचंद बेनीवाल, जो इसी इंडस्ट्री से है और तकरीबन एक साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उनसे हम जानते हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, वो किस तरह से इस इंडस्ट्री को चलाते हैं और किस तरह से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उनके पास आता है जो कि वो सॉल्व करते हैं। तो भागचंद जी, आप बताइए, आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? मेरे को सात से आठ साल हो गए, 8 साल कंप्लीट हो गया इस इंडस्ट्री में। 7 साल जॉब किया मैंने, अभी 1 साल से अपना ये पिकअप डिलीवरी एसोसिएट, जिसे फ्रेंचाइजी जो बोलते हैं लोकल भाषा में, वही कर रहा हूँ। ओके, तो इस इंडस्ट्री में जब आप पहले क्या के मतलब पहले कहीं जॉब कर रहे थे? पहले मैं जॉब करता था, ग्राउंड लेवल से मैंने स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्ट लाइन, ना कि डायरेक्ट मैं ब्रांच मैनेजर से, ना ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है। उसके बाद प्रमोट होते होते ब्रांच मैनेजर तक मैंने काम किया है और उसके बाद अभी लास्ट ईयर से मन में आया कि अपना ही कुछ करके देखते हैं इसी लाइन में। फिर मैंने ये पिकअप डिलीवरी एसोसिएट जिसे बोलते हैं, वो काम मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट एक साल से यही कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो आप जब पहले जब जॉब करते थे उस समय आपके पास किस तरह का प्रॉब्लम आता है फील्ड्स में? देखो, पहले जब जॉब करता था तो हर चीज़ लिमिटेड होती थी। मतलब मैं वही जो कंपनी की तरफ से जो प्रोवाइड किया हुआ चीज़ें ही मिलती थी, जैसे एक गाड़ी है उसको ही यूज़ करना है, 3 स्टाफ है वही यूज़ करना है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता था। ले दे के लड़ा झगड़ा करने के बाद जो कुछ मिलता था वो तो चीज़ है अलग, लेकिन वही प्रॉब्लम आता था, पर उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता था कंपनी की तरफ से। तो अब जैसे मैंने अपना किया है, मैं अपने आप से देखता हूँ कि मेरे को 4 लड़के चाहिए तो मैं 4 से काम कराता हूँ, मेरे को 2 चाहिए तो 2 से कराता हूँ, 10 चाहिए तो 10 से कराता हूँ। ओके, हाँ। तो पहले आपने 7 साल जॉब किया, फिर ये बिजनेस कब से आपने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री का? अभी लास्ट ईयर से किया था, जुलाई 18 से। जुलाई 18 से। तो जब से ये क्या आपने स्टार्ट किया, तो अभी के टाइम में जो आपका टनेज है वो क्या है, कितना है? अभी मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा टनेज था वो बहुत ही 150 टन का काम मैंने स्टार्ट किया था। 150 टन से मेरे पास 2 लड़के थे, 2 स्टाफ था, एक मैं था, 3 आदमी थे हम, उसी से 150 टन था, उसमें पिकअप डिलीवरी दोनों मिला के। ओके, अभी मेरा 750-800 टन का ऑल हो जाता है पिकअप डिलीवरी का। 750 से 800 टन। 800 टन। ओके, तो अभी के टाइम में जो आपका पिकअप और डिलीवरी का जो वर्किंग प्रोसेस है, किस तरह से आप करते हैं? देखो, पिकअप और डिलीवरी का जैसे 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाता हूं, जैसे भी जहां से भी मेरे को डिलीवरी स्टार्ट करनी होती है 9 बजे पहुंचा ऑफिस में, देखना पड़ता है किस रूट का, कैसे कैसे मटेरियल आया हुआ है, उस हिसाब से मैं कस्टमरों से बात करता हूं कि आपके आज डिलीवरी ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, या किसी का मान लो पिकअप का भी मेरे पास, मान लो पहले दिन शाम के पेंडिंग पिकअप रहते हैं उसको सुबह सुबह करने की कोशिश करता हूं, तो डिलीवरी सुबह सुबह 9-10 बजे की उस रूट की निकाल के उधर से पिकअप करवा लेता हूं। उसके बाद सेकेंड हाफ में जो डिलीवरी निकलती है 12 बजे के बाद में, तो 12 बजे के बाद में जो डिलीवरी निकालता हूँ तब तक दिन सेम डे के पिकअप मेरे सामने आ जाते हैं कि आज जो जो पिकअप होने हैं वो मेरे सामने आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपना, मेरे पास देखो 2 तरीके से काम करता हूँ मैं, अपनी गाड़ी है मेरे पास, 3 अटैच व्हीकल ले रखा है मैंने, और मार्केट से हायर करता हूँ। ओके, तो मैं 12 बजे तक जो शेड्यूल जो आता है मेरे पास, तो मैं मेरी तीनों गाड़ियों को हैंडल कर लेता हूँ कि ये गाड़ी उस रूट पर जाएगी और उधर से पिकअप करके लेके आएगी। और मार्केट का जो करना होता है तो उस रूट पर, जैसे उस लाइन में ग्रेटर नोएडा मेरे को गाड़ी भेजनी है, उधर मेरे पास डिलीवरी ही हो पाएगी ओनली, क्योंकि ग्रेटर नोएडा यहाँ से 60-70 किलोमीटर पड़ता है। ओके, तो उस लाइन पे मैं मार्केट व्हीकल ही यूज़ करता हूँ। जैसे नोएडा या गाज़ियाबाद तक मेरे को गाड़ी भेजना होता है तो उसमें मेरी अपनी खुद की गाड़ी भेज के मैं पिकअप भी करवा सकता हूँ डिलीवरी करवाने के बाद। ओके, ये चीज़। तो अभी के टाइम में जो आपका 750-800 टन का बताया, कितने कस्टमर आप अभी के टाइम में हैंडल कर रहे हैं? देखो, कस्टमर मेरे पास अभी 20-25 कस्टमरों का पिकअप, जो रेगुलर वो जो पिकअप रहता है वो 20-25 कस्टमर हैं, जिनको मेरे को सुबह सुबह सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हाँ आपके यहाँ पिकअप है, कितना है, कैसा रहेगा, किस टाइम गाड़ी चाहिए। ये तो आपके वो जो मैन्युफैक्चरर जिन्हें, अच्छा वो ऐसे 3-4 कंपनियों से जुड़ के मैं आगे काम चला रहा हूँ। ओके, 3-4 कंपनी से जुड़ करके आप काम चला रहे हैं, ठीक है। तो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कभी कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वगैरह आया है या फिर उधर स्मूथली चलता है आपका? नहीं, उधर से स्मूथली चलता है, उधर से कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, अच्छी बात है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं बात करूँ आपके जो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जैसे आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो गए, आपके एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय आप रख रखे हो? मेरे पास 6 एम्प्लॉय है अभी फिलहाल। 6 एम्प्लॉय, हाँ। उनको आप किस तरह से हैंडल करते हो? 3 ड्राइवर्स है और 6 एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय तो जैसे मेरे पास है ना, हर प्रकार के एम्प्लॉय है। ओके। देखो, 3 लड़के ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं। ओके। जो प्लस 15 से ऊपर की जो सैलरी लेने वाले लड़के हैं वो हैं, तो वो अपना स्टिकरिंग, सारे पेपर चेकिंग, हर चीज़ कर लेते हैं। और 2 लड़के ऐसे हैं मेरे जो ओनली लोडिंग अनलोडिंग का ही काम कर पाते हैं। 1 लड़का मेरा ऐसा है जो सिस्टम पे काम करता है, ऑफिस में ही रहता है। ओके। और बिलिंग का काम करता है, वो सारा चीज़ वो करता है। एक साल में अच्छा खासा आपने सेटअप अपना बना रखा है। बस गुड, ये लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप लोग। तो अब दूसरा आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके लेबर्स, तो लेबर्स से किस तरह का? देखो, लेबर जहाँ से भी मैं स्टार्ट करता हूँ, लेबर अपने ही रहता है उधर, कोई मेरे को हायर करने की जरूरत नहीं है लेबर का। जैसे कंपनीज में लेबर के, मतलब आपका कहने का मतलब, जिनका अगर कहीं मेटेरियल आप डिलीवरी करवा रहे हो तो जिनके पास डिलीवरी लेके गए हो उनका लेबर होता है, जहाँ से मेटेरियल उठा रहे हो आपको उनका लेबर होता है। ओके ओके, तो वहाँ पर आपको लेबर का सपोर्ट मिल जाता है? हाँ, लेबर का, लेबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो इसका जो अभी तक का जो वर्क ये चलता है पिकअप या डिलीवरी का, इसका कॉस्टिंग किस तरह से आता है? देखो, कॉस्टिंग मेरा 1 रुपया पर केजी है। 25 किलोमीटर है जो फ्रॉम ऑफिस। ओके। ऑफिस से लेके 25 किलोमीटर तक का 1 रुपया पर केजी कॉस्टिंग आ जाता है। उसके अंदर मेरा स्टाफ भी आ जाता है, लोडिंग अनलोडिंग भी आ जाती है। लेबर तो है मार्केट, लेबर तो मान लो कंपनी वाले रखते हैं, मेरा लगभग फार्मा का ही काम है। ओके। लेकिन वो लेबर जो है वो कॉस्टिंग लेता है पर बॉक्स 2 रुपया 1.5 रुपया, तो वो सारा कुछ मिला के मेरा 1 रुपया ओवरऑल पर केजी 1 रुपया आ जाता है। ओके। उसी हिसाब से मैं कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके। अभी के टाइम में आपके दूसरी चीज लोड पे भी रहता है, जैसे 500 किलो लोड लेके गया तो उसमें तो मेरी कॉस्टिंग आ गई 1.5 रुपये किलो, और 3.5 टन 5 टन 6 टन बड़ी गाड़ी लेके गया तो उसमें मेरी कॉस्टिंग आ गई 40 पैसा 20 पैसा 30 पैसा, ऐसे भी आ जाता है। लोड पे भी कॉस्टिंग का वो रहता है। अभी के टाइम में आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं जिनसे आप पिकअप या डिलीवरी करवाते हो? देखो, मेरे पास 3 गाड़ियाँ तो अटैच में, मेरे पास जो मंथली फिक्स गाड़ी कर रखी है, 2 महिंद्रा पिकअप है और 1 14 फुट गाड़ी है, ठीक है। और बाकी मैं मार्केट से हायर करता हूँ, 5 से 6 वेंटर है मेरे पास। ओके। जितनी गाड़ियों की मेरे को रिक्वायरमेंट रहती है वो ले लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो गाड़ियाँ जो आप अटैच कर रखे हो, इसका क्या मेंटेनेंस वगैरह जो होता है वो आपके आपके हाथ में है, या फिर ये जिनका गाड़ी है वो करवा देते हैं? 3 गाड़ियाँ अटैच करी है, तीनों 3 प्रकार से अटैच कर रखे। ओके। एक गाड़ी में 14 फुट जो गाड़ी है उसमें सारा कुछ मालिक का ही है, जिसकी गाड़ी है उसका ही है सारा, डीजल तेल मेंटेनेंस सब कुछ। ओके। एक गाड़ी ऐसा है जिसमें मेरा ड्राइवर मेरा है, सीएनजी मेरी है, ओनली उसकी गाड़ी है। okay. और उसको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, भाई इतने पैसे तेरे, तुम्हारे गाड़ी मेरी है। उसमें नई गाड़ी है, उसका भी मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, फिर भी वो okay. करवाता है, सर्विस का टाइम आएगा तो वो अपने आप करवाएगा। ओके। और तीसरी जो गाड़ी है वो उसमें भी ओवरऑल एक ही चीज़ है। ओके। तो वेंडर्स वगैरह, मार्केट के वेंडर्स वगैरह यूज करते हो? हाँ, मार्केट के वेंडर से ही काम कराना पड़ता है। 3 गाड़ी में तो देखो 800 टन माल होने का नहीं है, 2 बोलेरो 1 पैंतरा में तो कुछ नहीं होता है। मेरा मार्केट से भी लगभग 10 गाड़ियाँ मेरे को डेली मार्केट से भी लग जाती है, लोड के आधार पे। जैसे 20 तारीख के बाद लोड बढ़ता है, 20 तारीख के बाद रोज 15 गाड़ी मेरे को पिकअप के लिए या डिलीवरी के लिए मिला के मेरे को 15 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। 14 फुट टाटा है, 17 फुट। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो उसी हिसाब से मैं वेंडरों को देख के रखता हूँ, कौन सा वेंडर किस काम आ सकता है, कितने दूर जा सकता है, ऐसे सारा। ओके। तो आपके ड्राइवर्स वगैरह, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि बोलते हैं कि उनके जो ड्राइवर्स है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, अजीब से बिहेव करते हैं। मैं भी सुना हूँ, मैं भी अपने लाइफ में मैं देखा हूँ ड्राइवर्स का, जो कुछ ड्राइवर का जो सरगर्म। देखो, मेरे पास पहले जो मेरे जो वेंडर जो मार्केट से जिसकी जिनकी गाड़ी वो गाड़ी हायर करता हूँ ना, वो मेरे लगभग गाड़ी ओनर ही हैं। जो ड्राइविंग जो करते हैं उनकी सिंगल गाड़ी है या दो गाड़ी है तो वो ड्राइवर रखता है, लेकिन सिंगल गाड़ी है, खुद ही ड्राइविंग करता है, खुद ही गाड़ी वो उसका है। और मार्केट का जैसे अपना अटैचमेंट जो है ना, उसमें मेरे पास ड्राइवर है। okay. तीनों गाड़ियों के तीनों अलग अलग बिहेवियर के ड्राइवर हैं। ओके। एक ऐसा है कि अपना माल भी उतार के आएगा, लोकेट भी बना के लाएगा, स्टिकर भी करके लाएगा, मान लो एक स्टाफ का काम करके देता है। एक ऐसा है भी गाड़ी खड़ी कर देगा, ले जाके मेरे को फ़ोन कर देगा, आज ये गाड़ी आ गई है, खाली करवा दो। अच्छा। तो मान लो
आदमी मेरे पास तीन ड्राइवर है, तीनों प्रकार के हैं। और मार्केट वाले ड्राइवर हैं उनकी तो छोड़ दो बात, वो तो अपना देखते हैं। लेकिन जो जो लड़का मेरा स्टाफ का जो ड्राइवर काम कर देता है उसको मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया एक दिन के लिए, उसका ओवर टाइम से अलग, तो वो और कॉन्फिडेंस होता है। और उसके साथ दो ड्राइवर और है, वो भी सोचते हैं यार इसने भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूँ। फिलहाल मेरे तीनों ड्राइवर लोडिंग अनलोडिंग भी करते हैं, मिल्टी भी बनाते हैं और सारा कुछ करके मतलब पार्टी तक हैंडल वही करते हैं। क्योंकि 800 टन का पिकअप डिलीवरी बहुत हो जाता है, मेरे 6 लड़कों में नहीं संभल पाता है, तो वो ड्राइवर ही करते हैं। ओके, 70% ड्राइवर मेरा परफेक्ट है इस काम के लिए। बाचन जी, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब तक तो GST का रोल आउट हो चुका था इंडिया में। हाँ। और ई वे बिल भी मे बी स्टार्ट हो ही गया था, तो GST के आने के बाद, ई वे बिल के आने के बाद आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, बढ़ा है या घटा है या फिर पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है? GST के बाद सारा काम लिमिटेड हो गया है। ये नहीं कि अंधाधुंध फेंक दिया इधर का सामान उधर, वो नहीं रह गया है। अब सारा कुछ लिमिटेड हो गया है, जितना जरूरत है जितना वो है वही बेचने, स्टॉकिस्ट वाला काम खत्म हो गया है अभी। ओके, तो प्रभाव तो पड़ा है काम पे, ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ से। ई वे बिल के बारे में आप क्या बता सकते हैं, किस तरह से है, देखो सही है या गलत है? ई वे बिल जो कस्टमर जो बना के देता है, ई वे बिल कस्टमर से ही स्टार्ट होता है बिल। हाँ हाँ, और वहीं पे ख़त्म हो जाता है जाके डिलीवरी होने के बाद। बिल्कुल हाँ, तो कस्टमर ये बिल जो बना के देता है उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू, ट्रांसपोर्टर का GST नंबर, जैसे मैंने तुम्हारा माल उठाया है दूसरे का उठाया, उसी ट्रांसपोर्ट का GST नंबर रहेगा तभी वो ट्रांसपोर्टर अपना चेंज कर सकता है गाड़ी नंबर उसमें। ओके, ठीक है। और उसमें कितना मैन, उसमें ये रहता है इन्वॉइस डेट और वैल्यू। ओके, मेन चीज़ दो ही रहता है उसमें, और तुम इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट और वैल्यू, तीन चीज़ सही है तो आदमी आगे तक मूव कर सकता है सीमेंट। और उसके बाद दूरी का तो आजकल पिन कोड आ गया है उसमें भी। ओके, आप जनरेट करते हैं ये अपना जब जनरेट करते हैं जो मई से आया था। पहले क्या होता था, यहाँ से मान लो अंबाला का माल है या हरिद्वार का, यूपी में बैठे हैं, यूपी से ही बात करते हैं तो हरिद्वार का है, जिस कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ उसका हरिद्वार का डायरेक्ट रूट नहीं है, उसका उधर से घुमा के लेके जाता है, 3 दिन लगते हैं उसमें। तो ई वे बिल का क्या था, यहाँ से बनाएगा 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर रफ एंड टफ डाला, चलो भाई चला गया, तो उसमें एक्सपायर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इन ट्रांजिट में एक्सपायर होने के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि हर जगह हर अब में इतने ऐसे लड़के नहीं बैठे हुए हैं कि भी आज रात में ये 2 दिन में एक्सपायर होगा, गाड़ी 3 दिन में पहुंचेगी तो 2 दिन एक्सटेंड कर दें। देखो सेम डे अगले दिन का एक्सटेंड कर सकता है लड़का, लेकिन 2 दिन के लिए सोचना पड़ेगा उसको। तो ये ई वे बिल जो एक्सटेंड होता है वो एक बार में कितने दिन के लिए एक्सटेंड होता है? वो पिन कोड के आधार पर एक्सटेंड होता है अभी फिलहाल। अच्छा, पिन कोड के आधार पे होता है। हाँ। मतलब ये दूरी जितना कम दूरी है उतना कम एक्सटेंड होगा, जितना ज़्यादा दूरी है उतना ज़्यादा टाइम देगा। उसमें लिखा रहता है कहाँ से, फ्रॉम स्टेट टू, दोनों रहते हैं, दोनों का पिन कोड डालना पड़ता है, उसी हिसाब से उसका होगा एक्सटेंड होता है। ओके ओके। हाँ। और ये जो आप पिकअप डिलीवरी वगैरह कराते हो तो यहाँ पे आपको मार्केट में किस तरह से इश्यूज वगैरह आता है, ई वे बिल को लेकर के या हाँ पहले तो आप ई वे बिल को लेकर के बता दिए किस तरह। ई वे बिल में देखो कुछ कस्टमरों को गलत फहमी रहता है कि आज का डेट है, आज हम ई वे बिल दे रहे हैं, आज हमने ट्रांसपोर्ट को मटेरियल दिया है, आज हम ई वे बिल जनरेट कर दिया और इनवॉइस हमने बना रखा है कल का, इनवॉइस कल का है, ई वे बिल हमने आज बनाया। ओके, तो वो क्या करते हैं, आज की इनवॉइस डेट डाल दिया, आज की पेमेंट इनवॉइस नंबर वैल्यू सब कुछ उसने मिला दिया, इनवॉइस डेट जो था उसने आज ही का डाला। ओके, जबकि इनवॉइस बना हुआ है उसका कल का। ओके, उसका कहने का मतलब है कि जब जिस दिन का डॉकेट बनेगा या जिस दिन मटेरियल मूव होता है उसी दिन का डेट वो बनाते हैं, तो वो हो जाता है रॉन्ग। वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो ये गलती करते हैं और उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। तो उसका जो हर्जाना है वो कौन भुगतता है, वो आप भुगतते हैं जो या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं जिनके लिए आप काम करते हो? बुकिंग टाइम से ही हम देख लेते हैं या पकड़ा जाता है तब तो वही भरेगा कस्टमर ही, और जब डिलीवरी टिल डिलीवरी तक जाके डिलीवरी पॉइंट पे आके पकड़ा जाता है तो कस्टमर मना कर देता है क्योंकि पेनल्टी बहुत बड़ा है। तो उस कंडीशन में आप उसके लिए पेनल्टी बेयर करते हो या फिर जिनके लिए आप काम करते हो? जिनके लिए हम काम करते हैं वो अपना लीगल तरीके से या जैसे भी बात करना है वो उन कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, उन्हीं का काम है, अपना काम वही है पिकअप लेके उठा के दे देना आगे को। ओके, तो डिलीवरी वगैरह में भी ई वे बिल का कुछ इशूज वगैरह आता है? डिलीवरी में इशू नहीं आता है इतना, ई वे बिल का कोई इशू नहीं है डिलीवरी में, क्योंकि सारा कुछ
देख देख के ही आता है। ओके, आपका जो अभी के टाइम में रेडियस है पिकअप या डिलीवरी का कितने किलोमीटर तक मेरा है? दो मेरे भाग बने हुए ए और बी। ए भाग में मेरा 1 to 25 किलोमीटर है, 25 to 50 किलोमीटर भी है, मैं 50 किलोमीटर तक ही कवर करता हूँ एरिया। ओके, तो ये क्या आप सिर्फ गाजियाबाद में करते हैं या फिर आप दिल्ली भी इंटर करते हैं? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का करता हूँ, गाजियाबाद से आगे आप मेरठ, आपूर्ण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ईस्ट दिल्ली में जब आप इंटर करते हो तो वहाँ पर आपको ग्रीनटेक्स का भी सामना करना होता होगा? नहीं नहीं, मेरे पास सीएनजी गाड़ियों का ही यूज करना पड़ता है। ओके, मतलब ज्यादा करके छोटी गाड़ी का ही काम है, छोटी गाड़ी का ही करना पड़ता है। ओके ओके, तो वैसे मेरा काम ही पार्ट का है, लगभग ज्यादा काम ही पार्ट का है, एफटीएल का तो है नहीं, पूरा पार्ट ही देखना है, तो पार्ट में बड़ी गाड़ी का यूज होता है नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी जो जिस तरह से आपका बिजनेस चल रहा है, मैं आपसे बात करूँ तब आने वाले 2 से 3 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री में? इसके लिए कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो उन पर डिपेंड करता है, वो मेरे को कैसे कस्टमर ला के देते हैं, कैसा पेमेंट देते हैं, वो सारा कुछ उन्हीं पे रहता है। ओके ओके, क्योंकि यहाँ का तो बिजनेस लेके आना है, कस्टमरों से यहाँ का तो डील करना है, डिलीवरी पॉइंट पे या पिकअप पॉइंट पे, वो मेरे पे निर्भर है, वो जिसके लिए काम कर रहा हूँ उनके लिए बेटर मैं ही करके दे सकता हूँ उनको। ओके, ये उनको पता रहता है, भाई पिकअप मेरे को करना है, डिलीवरी पॉइंट ही मेरे को संभालना है, फेस वैल्यू मेरे को ही दिखाना है दोनों जगह। हाँ बिल्कुल, हाँ वो उसमें मैं जितना बढ़ाना चाहता हूँ मैं बढ़ा सकता हूँ, आगे का काम जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ है मिस्टर भागचंद बेनीवाल, जिनके साथ मैं आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बिजनेस के डिटेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी डिस्कस कर रहा था कि उनके पास जो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके पास। तो इसी तरह से मैं अपने नए वीडियो चैनल में कुछ नए इसी तरह के लोगों के साथ आपका डिस्कशन करवाऊंगा, और कुछ नए जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने। अगर आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर भागचंद बेनीवाल आपके किसी भी मटेरियल को सर्विस दे गाजियाबाद के अंदर, तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनका मेल आईडी, उनका FB का जो प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैं अपने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह से फिर से वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।